Hello all students, in this video we shall continue chapter number 7 A Footprint Without Faith The Necklace. अब तक हमने देखा है कि मटिल्डा जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो उसको और उसके हस्बैंड को एक इन्विटेशन मिलता है बहुत ही रिच जो है मिनिस्टर है वहाँ से, तो वो वहाँ पे जाने के लिए पहले तो ना बोलती है क्योंकि उसके पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं है अच्छी, तो फिर उसका हस्बैंड उसको ड्रेस दे के देता है। पर अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसके पास कोई ज्वेल नहीं है पहनने के लिए और वो रिफ्यूज़ करते हैं कि मुझे नहीं जाना बिना ज्वेल पहने। तो अब उसके हस्बैंड का रिप्लाई क्या होगा देखते हैं। देन हर हस्बैंड ट्राइड अप हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड एनएम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेट योर हर ज्वेल। और तो कहता है कि तुम अपने एक फ्रेंड के पास जाओ जो बहुत ज़्यादा रिच है और उसके पास जाके कोई ज्वेल ले लो अभी पहनने के लिए। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, हाँ इट्स ट्रू इट इज़ ट्रू, कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है। शी से आई हैव नॉट थॉट ऑफ दैट, द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी of districts. M.M. Forrester went to her closet and opened it, took out a large jewel case, opened it and said, choose my dear. अब वो जो हमारी जो main character है मैटिल्डा, वो अपने फ्रेंड के यहाँ जाती है और कहती है, सारी स्टोरी सुनाती है अपने पेन वाली कि क्या क्या हुआ है, मिस्टर हिज पेन थी। तो उसकी जो फ्रेंड है वो कहती है ठीक है, फिर वो क्लोसेट के पास जाती है अपनी ज्वेलरी को खोलती है, फिर कहती है तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उसमें से चूज कर लो ले लो। शी सो एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स देन द कॉलर ऑफ पर्ल्स एंड द वेंटियल क्रॉस ऑफ द गोल्ड एंड द ज्वेल्स एंड एडमायरिंग द workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated but couldn't, neither decided to take them nor leave them. Then she asked, have you nothing more? अब यहाँ पे पहले तो उसके हमने उसे देखा उसे कुछ ब्रेसलेट थे पर्ल्स कॉलर्स थे, वो सारी चीज़ें उसने ट्राई करके देखी पर उसे अच्छा नहीं लगा, उसे कुछ और अलग चाहिए थे। उसने कहा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? हाँ यस, कहा है लुक फॉर yourself. I do not know what will please you. अब मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आएगा पर ठीक है। Suddenly she discovered in the black satin box superb necklace of the diamond. अब डायमंड का एक नेकलेस होता है, वो उसे दिखाती है अपनी फ्रेंड को, अपनी उसकी फ्रेंड है वो एक ब्लैक बॉक्स में उसका जो नेकलेस था वो उसे दिखाती है मटिल्डा को। Her hands trembled as she looked out. She pleased it about her coat and against her dress and was एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, कुड यू लेट मी दिस, ओनली दिस, व्हाई? यस सर्टेनली। अब वो नेकलेस है वो देखते हुए बटिंडा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, वो थोड़ी घबराई जो है तो मैं बोलती है, तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ क्यों नहीं ले जाओ। शी फेल She fell upon the neck of her friend, embraced means क्या होगा hug कर लेना with passion and then went away with her treasure. और फिर उसने hug कर लिया उसको और फिर जो है वो necklace लेके वहाँ से गई। The day of the ball arrived. फिर ball जिस दिन था party जिस दिन थी वो दिन आ गया। एम एम लुइस मीन्स क्या है यहाँ पे, एम एम लुइस मीन्स ये मटिल्डा की बात कर रही है। Was a great success. She won the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. All the men noticed her, asked her name and wanted to be present. अब यहाँ पे जो चाहती थी मटिल्डा वो उसमें सक्सेस हो चुकी थी, उसे जो चाहिए था वो, फिर वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी, ग्रेशियस लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा जॉय से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, सारे लोग उसका नाम पूछ रहे थे, उसे मिलना चाहते थे, अच्छा लग रहा था सब। शी डांस विद द एंथुसियाज्म इंटॉक्सिकेटेड विद द प्लेजर। अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर डांस कर रही थी और इंटॉक्सी
साइड मीन्स क्या होगा, इंटॉक्सिकेट मीन्स क्या आते हैं, हम कभी नशे के आदि होते हैं और हम सब भूल भूल जाते हैं। तो वैसे ही वो भी भूल के वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, अपने आनंद में वो खो गई थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरिंग दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट शी वेंट होम टूवर्ड 4 o'clock इन द मॉर्निंग। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ असलीप इन आवर ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट विद द थ्री जेंटलमैन हूज वाइव्स वेयर एंजॉयिंग देमसेल्फ वेरी मच। अब वहाँ पर बात की है कि सब ने उसको एडमायर किया, उसने विक्ट्री जो है पा ली थी, उसे जो चाहता थी वो उसने सबको हाथ, जबकि सबके दिल थे उस पर जीत हासिल कर रही थी एक तरह से। और उसका जो हस्बैंड था वो दूसरे दो लोगों के साथ एक रूम में बैठा हुआ था, उन सब उन लोगों की वाइफ है वो इंजॉय कर रही थी खुद से। तो सब लोग अपनी अपनी तरह से इंजॉय कर रहे थे उस पार्टी में। ही थ्रॉब अराउंड हर शोल्डर द मॉडेस्ट वेयर टू दे दे हैड कैरीड वाज अ पॉवर्टी क्लैस्ट विद द एलिगेंट ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम। शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय अदर वुमन वो वेयर वेपरिंग डेंसर इन रिच पर्स मीन्स क्या होता है। तो अभी उसके हस्बैंड ने उसको मिटिंडा को एक शॉल टाइप का होता है शोल्डर कवर होता है उसको उठाया, वो थोड़ा सा पुअर लग रहा था। बाकी जो सारी वुमेंस थे उन्होंने एकदम रिच अटायर जो है पहना था, उसके ऊपर कवर भी रिच था, उनके पास रिच दिखने वाला था और इफेक्टिव था। तो मिटिंडा जल्दी से बाहर निकल जाना चाहती थी ये पहन के, ताकि उसे कोई पॉवर्टी और वैसा उसकी गरीबी ना दिख जाए, इसके कारण वो जल्दी से पहन के उसे बाहर निकल जाना चाहती। लुइजा डिटेनेड हर वेट सेड ही आई एम गोइंग टू द कॉलर कैब। अब लुइजा ने जिसका हस्बैंड है वो कहता है कि रुको मैं एक कैब को बुलाता हूँ, बट शी वुडंट नॉट लिसन एंड डिसेंडेड दिस कैब रिपीटेडली एंड दे वेयर इन द स्ट्रीट दे राउंड द कैरेज एंड दे बिगन टू स्टिक फॉर वन हेलिंग टू अ कोचमैन हु देश छोड़ी डिस्टेंस। अब रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, 4 बज रहे हो चुके थे, पार्टी बहुत देर तक चल रही थी, तो अब वहाँ पर कोई कैरेज नहीं था। और मिटिंडा ने उसके हस्बैंड की बात सुनी नहीं, वो जल्दी में जो है स्टेप थे उसे नीचे उतर जाती है, स्ट्रीट पर पहुँच जाती है, और वहाँ पर उन्हें एक भी कैरेज नहीं मिलता है। वो आगे जा रहे हैं कि उन्हें कोई कैरेज या कुछ और मिल जाए। दे वॉक अलोन टू वर्ड द रिवर। अब वो रिवर के पास में धीरे धीरे पहुँच गए, रिवर के पास होता है पास में वहाँ पे वो प्लेस है ना शिवरलिंग, भूख नहीं होती कि उन्हें कुछ मिलेगा अपने घर जाने के लिए। और शिवरलिंग मीन्स ठंड भी सोचे थे, वो दोनों ठंड के कारण शिवर भी कर रहे हैं। फाइनली दे फाउंड वन ओल्ड कैरेज गेट वन सीज इन द पैरिस आफ्टर नाइट फॉल इट टुक देम एज फार एज देयर डोर्स एंड दे वेंट डायरेक्टली अप टू देयर अपार्टमेंट। It was all over for her and no his part. His remembrance that he was would have to be a officer by a 10 o'clock. अब वो दोनों को दूर थोड़ी दूर चलते हुए एक कैरेज मिलता है और उसमें वो बैठ के अपने घर चले घर जाते हैं। और घर पहुँचते ही बहुत वो तो पार्टी बहुत देर तक चली थी, पर जो मिस्टर लुइसल है उन्हें याद था कि उन्हें 10 बजे उठना है क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना है। तो 10 बजे तो वो जल्दी से सोने के लिए मतलब अपने कपड़े और टायर सब चेंज कर रहे हैं, उन्हें अपना अपार्टमेंट तक पहुँचा। शी रिमूव्ड द बैग्स फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास द फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी सडनली शी अटर्ड अ क्राई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। अब देखिए फाइनल वो कैसी अच्छी लग रही है बूढ़ी, वो फाइनल व्यू देखने के लिए अपना ग्लोरी वाला व्यू देखने के लिए जब मिटिंडा लास्ट में जब अपने घर पहुंच जाती है तो देखने के लिए जो मिरर के सामने खड़ी होती है, अचानक से जब वो अपनी ड्रेस को देख रही है तो उसकी नेक पर उसका जो ध्यान जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका नेकलेस वहाँ पे नहीं है। लुइस सर ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। शी टर्न्ड टुवर्ड हिम एंड सेड एक्जेक्टली आई नो लॉन्गर हैव मेंस फॉरेस्ट नेकलेस। वो कहती है कि क्या हुआ, अभी तक उसने उसके हस्बैंड ने हाफ ही ड्रेस चेंज किया था। वो कहता है कि क्या हुआ, तो मुझे चिड़ाई थी चोट से। तो कहता है कि मेरे पास वो नेकलेस ही नहीं है जो मिसेस फॉरेस्टर ने मुझे लिया था, वो खो गया।
कि अराउजिंग द दिस में वट हाउ इज दैट इट इज नॉट पॉसिबल. तुम क्या बोल रही हो, कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है. एंड दे लुक इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड ऑफ द क्लॉथ, इन द पॉकेट, एवरीवन दे कुड नॉट फाइंड इट. वो आप सब सब जगह देख लेते अपने ड्रेस में, पॉकेट्स में, आस पास, पर उसे वो कहीं नहीं मिलता. नहीं He asked, "You are sure you still have it when we left the minister's house?" तुम्हें याद है? वो उसका हस्बैंड पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि जब हम मिनिस्टर के घर से निकले तब तुमने वो पहना हुआ था. तो वो कहते हैं यस आई फेल्ट इट एज वी कैन आउट. उसने कहा हाँ मुझे फील हुआ था तो मैंने हेडलेस पहना है जब हम बाहर आए थे. बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड फेल इट मस्ट बी इट द कैब. और कहता है कि अगर वो उसका हस्बैंड कहता है कि अगर वो नीचे गिरा होता नेकलेस कैप से तो हमें आवाज़ आती उसकी, तो शायद वो अब नीचे नहीं कैप में ही गिरा होगा. यस इट इज़ पॉसिबल डिड यू टेक द नंबर. अब बटेंडर कहती है कि हाँ हो सकता है कैप में गिर गया हो. तो क्या तुमने उसका नंबर लिया था? नो एंड यू डिड नॉट इज वॉट इट वॉज टू से कहा नहीं मैंने नहीं था. क्या तुमने लिया था नंबर उसका? नो अब यहाँ पे देखिए कैब में जिसमें बैठे उसके नंबर भी नहीं लिए थे किसी से उसका जो नेकलेस कैब में गिरा होगा तो अब उनसे मिलने से रहा. तो बहुत सारे कैब्स होते हैं वहाँ पे तो किस कैब में गिरा हो किसे पता और ढूंढना उसे बहुत मुश्किल होता है. दे लुक एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन. फाइनली यूज ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन आई एम गोइंग टू से ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट एंड ही फ्रेंड रिमाइंडेड इन हर इवनिंग ground gown evening gown not having the force to go to bed. 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. अब यहाँ पे देखिए कि उसका हस्बैंड कहता है कि ठीक है वो वापस कपड़े पहन लेता है. वो कहता है कि मैं देख के आता हूँ जहाँ गए थे वहाँ पे कहीं गिर गया होगा. तो फिर जो है मटिंडा वो बहुत दुखी हो गया, वो उसी गाउन में बैठी रहती है जिसने जो गाउन उसने पहना हुआ होता है. और फिर वो वापस आता है 7 o'clock जब वापस आता है उसका हस्बैंड तो देखता है कि मतलब तो उसके पास कुछ होता नहीं है, वो खाली आता है होता है, उसे कुछ नहीं मिला होता है. He went to the police and the cab officer and the advertisement in the newspaper offering a reward. वो सजेस्ट करते हैं कि वो कहता है कि हमें शायद पुलिस में इसकी कंप्लेंट कर देनी चाहिए या न्यूज पेपर में इसकी एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए तो जो भी ये नेकलेस वापस देगा उसको रिपोर्ट मिलेगा. She waited all day in the state of bewilderment means क्या होगा? Confusion. Before this frightful disaster, Louisa returned in the evening. His face pale, he had discovered nothing. पूरा दिन उन्होंने वेट किया, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे पर उन्हें कुछ मिला नहीं. अंत में उन्होंने बहुत सर्च किया पर उन्हें कुछ नहीं मिला. हम आगे का चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी तक के लिए इतना ही रखेंगे. तब तक के लिए मैं नाइस थी. थैंक यू एंड टेक केयर.